नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कृषि पढ़ रहे हैं, उसके ये तीसरा पार्ट है। और इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास इससे पहले हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा क्या, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खाद्य फसल, मोटे अनाज, तिलहन और रेशेदार फसलें। ये चार चीज़ें हो चुकी थी, प्रमुख खाद्य फसल हम लोग पढ़ रहे थे, उनमें से ये चार चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बाद इसमें बचा क्या था, गन्ना, जो कि अन्य फसलों में गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, नारियल, तंबाकू, और मसालों में कौन कौन सा, इलायची, लौंग, काली मिर्च। अब इस क्लास में इतने खाद्य फसलों को हम लोग कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फसलों के लक्षण, रोग और लक्षण पढ़ेंगे, और प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, कृषि बोर्ड मुख्यालय, प्रमुख कृषि संस्थान, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, कृषि विधियां और तकनीकी, और कृषि पद्धतियां, जो कि ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना सब कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए बिना देर किए आज का ये क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला है, देखिए अन्य फसलों में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले गन्ना देखेंगे, इसको इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। ये इसका जलवायु कैसा होना चाहिए, इसका जलवायु होना चाहिए उष्णकटिबंधीय, इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस, और वार्षिक वर्षा जो होती है इसके लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारत में गन्ना खेती के लिए भारत में 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाले अगर क्षेत्र है तो वहां पर भी उगाया जा सकता है, ठीक है। गन्ने की फसल के लिए 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और जो पाला होता है, ये सभी चीज़ें हानिकारक होती हैं। इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब ये कि अगर भारत में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है या फिर 15 सेल्सियस से कम है तो वहाँ पे क्या होता है, गन्ने की फसल के लिए हानिकारक होता है, या तो फिर पाला पड़ता है तो भी गन्ने की फसल के लिए हानिकारक होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे, पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को कम करता है। जब पाला पड़ता है, जब पाला से क्या होता है, गन्ने की फसल जब बर्बाद होती है तो इसमें क्या होता है, जो शर्करा की मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि उद्योग है, ठीक है। सबसे पहले सूती उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बाद यह दूसरा है, कौन सा, चीनी उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद चीनी उद्योग है, ठीक है। भारत के प्रथम वर्ष 1930 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर नामक स्थान पर यह स्थापित की गई थी, ठीक है। और शक्कर नगर किसे कहा जाता है, शक्कर नगर तेलंगाना में एक जगह है, वहां पर शक्कर नगर कहा जाता है, वो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है भारत में तेलंगाना में शक्कर नगर को कहा जाता है, माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। गन्ना से जितने भी चीजें हैं हम लोग उसको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को, उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला, भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्य। पहले हम लोग देखेंगे इसमें पहला कौन है, महाराष्ट्र, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद क्या है, कर्नाटक है, ठीक है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, और फिर कर्नाटक है, ये चीनी उत्पादक राज्य है। याद रखिए चीनी उत्पादक राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है, तो हम लोग चीनी उत्पादक राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर गन्ना की बात करेंगे, जब हम गन्ने की बात करेंगे तो वहां पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, उत्पादक के में उत्तर प्रदेश हो जाएगा 46.98% के साथ, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और उसके बाद तीसरे स्थान पे कर्नाटक। ये उत्पादक राज्य हैं जो शीर्ष तीन राज्य हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, और तीसरे पे कर्नाटक है, ठीक है। तीसरे पे कौन है, कर्नाटक। तो ये चीजें आपको गन्ना से याद रखनी है। और अगली चीज है, अगला फसल है हम लोगों का चाय। चाय के लिए जो जलवायु होता है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों होने चाहिए, उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी दोनों। और उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस, और तापमान कितना होना चाहिए,
तापमान जो होता है, माफ करिएगा, वार्षिक वर्षा जो होता है वो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये वार्षिक वर्षा की बात है। अगर इतने सेंटीमीटर के बीच में हो रही है तो चाय की फसल वहां पे बहुत अच्छी होगी। ठीक, भारत विश्व के चाय उत्पादन का लगभग 21.4% चाय उत्पादित करता है। भारत जो है विश्व का जो जितना भी चाय उत्पादन होता है उसमें 21.4% चाय भारत अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड चाय की एक प्रमुख किस्म है। ग्रीन गोल्ड एक चाय की प्रमुख किस्म है। चीनी के दो प्रमुख किस्में हैं, चीनी चाय के दो, माफ करिएगा, चाय के दो प्रमुख किस्में हैं, एक चीनी और एक असमी। जो असमी है किस्म वो भारतीय है। ठीक, जो चीनी है इसका चाय का पौधा अधिक ऊंचा और उसकी पत्तियां जो होती है वो कोमल होती हैं। जो असमी चाय होता है उसका पौधा, जो पौधा होता है वो बौना होता है और पत्तियां कठोर होती हैं। ये असमी और चीनी चाय की किस्मों में ये डिफरेंस है कि जो चीनी होता है, जो चीनी चाय का पौधा है वो अधिक ऊंचा होता है और पत्तियां मुलायम होती हैं, और जो भारतीय है असमी चाय का पौधा है वो जो किस्म है वो पत्तियां उसकी कठोर होती हैं और वो बौना होता है। ठीक है, ऊंचाई पर उगाए गए चाय का स्वाद और सुगंध बेहतर होता है। ये बहुत ही जरूरी है इस चीज़ को जानना कि अगर कोई चीज़ किसी भी अगर जगह चाय का फसल उगाया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो वहाँ पे चाय के लिए अगर ऊंचाई पे किया जा रहा है उसकी खेती, तो वहाँ पे चाय जो है वो अधिक सुगंधित होगा और अधिक बेहतर होगा जो उससे नीचे वाले क्षेत्रों में होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, चाय जो है उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक ब्रह्मपुत्र घाटी और एक सुरमा घाटी। भारत में ये दो प्रमुख स्थान हैं जहां पर चाय की प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। नकदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात में सबसे अधिक जो होती है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी लाइन आपको याद रखना है। विश्व में अग्रणी चाय निर्यातक देश केन्या है, चीन है और श्रीलंका है, और उसके बाद चौथे स्थान पे भारत का, ठीक है, चौथे स्थान पे भारत है अग्रणी चाय निर्यातक देश। निर्यातक और आयातक दो चीजें होती हैं, एक आयात होता है, निर्यात होता है। आयात होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में आए, आयात, आयात ऐसे याद रखना है, और निर्यात मतलब गया, जो हमारे देश से दूसरे देशों में जाए। तो निर्यातक देखेंगे तो निर्यातक देश में चौथे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर केन्या है, फिर चीन है, फिर श्रीलंका है और फिर भारत है। भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर होता है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो है उत्पादक जो शीर्ष चार राज्य हैं उसको देखेंगे। तीन राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे चार राज्यों की बात हुई है तो चारों राज्य देखेंगे। पहले स्थान पे असम है, उत्पादक की दृष्टि से पहले स्थान पे असम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले स्थान पर असम है। 55% अकेले क्षेत्र पर क्या होता है ये अब फसल उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल उत्पादक की दृष्टि से दूसरे स्थान पे, और तमिलनाडु है, फिर उसके बाद केरल है, और जस्ट वही सिक्वेंस है क्षेत्रफल में भी, जो इसके उत्पादन में है चार राज्य, वहीं इसके क्षेत्रफल में भी चार राज्य हैं। इसमें देखिए असम पहले स्थान पे, असम उसके बाद पश्चिम बंगाल, इसमें भी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु यहां पर भी तमिलनाडु, और यहां पर केरल, और यहां पर भी केरल। ठीक, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अन्य फसलों में कॉफी को, कहवा जिसे भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए जो होता है जलवायु क्या होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए और आर्द्र होना चाहिए, उष्ण और आर्द्र होना चाहिए। तापमान 16 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। 600 से 1500 मीटर ऊंचाई के पहाड़ी ढालों पर वनों की दोमट भुरभुरी मिट्टियां होती हैं, वो उर्वरक तथा सस्ता श्रम कहवा की खेती के लिए आवश्यक होती हैं। भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का 3.73% उत्पादन किया जाता है। कहवा की तीन किस्में होती हैं, जो एक अरेबिका, एक रोबस्टा और एक लिबेरिका। कौन कौन सी? अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत की अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, अरेबिका
कॉफी। तो अभी अरेबिका कॉफी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अरेबिका कॉफी जो है, अरेबिका कॉफी या कहवा एक ही चीजें हैं, ठीक है। वो अधिक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर उगता है, कितने 750 से 1500 मीटर के ऊंचाई पर, ठीक है। और जबकि ये जो रोबस्टा है ये निचले ढालों पर होता है, 300 से 610 मीटर, ठीक। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। कहवा अबिसिनिया का मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदान की पहाड़ियों पर, बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में है, तो उस पर क्या हो गया था, रोपा गया था, ये रोपा गया था, ठीक है, ये रोपा लिखा हुआ है, रोपा गया था, ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी पर, ठीक। चलिए अब इसके हम लोग देखते हैं उत्पादक राज्य, चार उत्पादक राज्य देखेंगे। पहले स्थान पर कौन है, कर्नाटक, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और चौथे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन राज्य देखेंगे, एक है कर्नाटक, फिर केरल और फिर आंध्र प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं जो तीन राज्य हैं कॉफी में, और ये उत्पादन की दृष्टि से हैं, जो ज्यादा उत्पादन करते हैं वो राज्य हैं जो कॉफी में जो ज्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे रबड़ को। रबड़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। रबड़ की जलवायु क्या होनी चाहिए जो कॉफी के लिए है, उष्ण और आर्द्र, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और वार्षिक वर्षा जो है वो 300 सेंटीमीटर को होनी चाहिए, ठीक है, 300 सेंटीमीटर। रबड़ जो है अमेजन बेसिन में जंगली रूप से उगने वाले हेविया ब्राजियंसिस, क्या है, हेविया ब्राजियंसिस के दूध से, दूध मतलब लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स जो होता है दूध जैसा ही होता है, ऐसा करने के जो वृक्ष होता है उस वृक्ष से इसी प्रकार का दूध निकलता है, उसको लेटेक्स कहते हैं, ठीक है, उससे ही प्राप्त होती है। कौन सा वृक्ष, कौन सा वृक्ष, हेविया ब्राजिलियंसिस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस वृक्ष के बीज भारत में 1876 में सर हेनरी विलियम द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा, सर हेनरी विलियम के द्वारा। रबड़ के बगान दक्षिणी केरल की पहाड़ी ढालों पर सेलिसबरी के मार्किस द्वारा 1895 में, और उसके बाद 1920 में पेरियार घाटी में लगाए गए। रबड़ के बीजों को नर्सरी में रोप दिया जाता है। देखिए अब रबड़ कैसे उत्पादित होता है ये देख लीजिए। रबड़ के बीजों को नर्सरी में पहले रोप दिया जाता है, फिर इन्हें बगानों में प्रतिरोपित किया जाता है। जैसे धान की फसल होती है प्रतिरोपित विधि द्वारा, पहले इसको बगानों में किया जाता है, और धान को क्या किया जाता है, छोटे चक्कों में खेतों में किया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसके बाद रोपित किया जाता है। उसी तरह से रबड़ के बीजों को भी नर्सरी में पहले रोपा जाता है, फिर उसके बाद बगानों में इसको प्रतिरोपित किया जाता है, और 2-3 वर्ष के बाद पौधों से लेटेक्स प्राप्त होने लगता है, और इस लेटेक्स को बाल्टियों में एकत्रित करके साफ करके, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल, आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, और इससे धीरे धीरे गर्म करने पर यह एक जमे हुए कोमल पिंड के रूप में हो जाता है, और फिर इसे जिस स्थिति में इसे ढालना होता है उस आकृति में आप ढाल सकते हैं, और चादर के रूप में अधिकतर सुखाया जाता है, जो चादर के रूप में फैला दिया जाता है, इसे चारों तरफ से फैला दिया जाता है, और फैलाने पर इसको सुखा लिया जाता है, फिर उसके बाद जिस आकृति की जरूरत होती है उसमें ढाला जाता है। देश का लगभग 87.56% रबड़ का जो उत्पादन है वो केरल राज्य में होता है। अब तीन राज्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तीन राज्य हो गए जो उत्पादन की दृष्टि से तीन राज्य हैं। अब ये याद रखिएगा 87.56% जो है ये अकेले भारत में केरल राज्य उत्पादित करता है रबड़ को, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है नारियल, ठीक है, क्या है, नारियल। नारियल में उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए जलवायु, इसका तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर से अधिक। इससे जो प्राप्त गरी होता है उससे क्या, तेल, साबुन बनाने का कच्चा माल और वनस्पति घी इससे प्राप्त किया जाता है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत विश्व का तीसरा प्रमुख नारियल उत्पादक देश है। भारत में नारियल जो है, ये ताड़ लिखा हुआ है, ताड़ की अनेक किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से दो किस्में जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको, एक वेस्ट कोस्ट, एक न्यू गिनी किस्म, एक वेस्ट कोस्ट और एक न्यू गिनी किस्म, ये जो नारियल की ताड़ की क्या है, प्रमुख किस्में हैं।
अब नारियल में देखें तीन राज्य, तो यहाँ पे देखिए एक तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक। तमिलनाडु है, फिर उसके बाद केरल है, और उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तंबाकू। तंबाकू के लिए जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधी होना चाहिए, और तापमान होना चाहिए 15 से 38 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बीड़ी तथा हुक्के में प्रयुक्त होने वाला तंबाकू जलोढ़ तथा काली मिट्टी में उगाया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी फैक्ट हम बता रहे हैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं। हमने इससे जितने भी पहले क्लास करवाए हैं सब में इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इंपॉर्टेंट बता दिए तो मतलब ये यही इंपॉर्टेंट, इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पहले से ही काट कूट के इसमें जो है फैक्ट चीज़ों को लाया गया है, पहले से ही यह इंपॉर्टेंट है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आपको इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं छाटना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, ठीक। और जो सिगार होता है और चूड़ के तंबाकू होते हैं उसकी खेती भूरी लाल मिट्टियों में की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, अगर ये पूछ सकता है तो ये भी आगे वाले आने वाले समय में पूछ सकता है, ठीक। तंबाकू भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाया गया था। तंबाकू के तने का प्रयोग पोटास उर्वरक बनाने में होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में तंबाकू की दो किस्में उगाई जाती हैं, कौन कौन सी दो किस्में हैं, दोनों किस्में देखिए कौन कौन सी, एक है निकोटियाना टोबैकम और दूसरा है निकोटियाना रस्टिका, टोबैकम और रस्टिका, इसको याद रखना भी आसान है। तंबाकू जो होता है वो टोबैको मीन्स होता ही है, तो एक निकोटियाना टोबैकम हो गया और एक निकोटियाना रस्टिका हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है, ये जो दो किस्में होती हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, जानकारी के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक। देखिए ध्यान से देखिए, निकोटियाना रस्टिका की खेती 90% क्षेत्र पर की जाती है, 90%, लेकिन इससे सिर्फ 10% तंबाकू प्राप्त होता है। कौन सी? निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका 90% क्षेत्र पर कृषि की जाती, उसकी खेती की जाती है 90% क्षेत्र पर, लेकिन उससे सिर्फ 10% ही तंबाकू उत्पादन होता है, जबकि निकोटियाना टोबैकम की खेती जो होती है सिर्फ 10% क्षेत्र पर की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 10% क्षेत्र पर की जाती है, और उससे जो तंबाकू प्राप्त होता है वो 90% उत्पादन होता है, 90% तंबाकू प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग टोबैको की मतलब तंबाकू की शीर्ष तीन उत्पादक राज्य देखेंगे। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, तंबाकू के उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है और फिर कर्नाटक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर कर्नाटक है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग मसालों को देखेंगे। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण मसालों का बगान कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मसालों का बगान किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, ठीक है। केरल जो है प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे इलायची को, उसके बाद लौंग को। देखिए सबको इंग्लिश याद रखना है, कार्डमम लिखा है, आपसे इलायची ना देके आपके एग्जाम में वो लिख सकता है कार्डमम। ऐसे बहुत बार हुआ है, तो आप लोगों को कार्डमम इसकी इंग्लिश याद रखनी है, क्योंकि ऐसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए तापमान कितना जरूरी होता है? 14 से 32 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? इलायची के लिए। इलायची के लिए तापमान 14 से 32 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाहिए, ठीक। इलायची जो है एक मसाला है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछता है। लौंग एक है पुष्पकली और फल जो भी है ऐसे पूछता है, तो लौंग एक पुष्पकली है, लौंग के बारे में जानेंगे। निम्न में से एक मसाला नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा। इसी तरह से इलायची, लौंग और नारियल, और उसके बाद एक और दे दें, मान लीजिए काली मिर्च, तो आपको वहाँ पे लगाना है नारियल। तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी मसाला है, और ठीक है। चलिए अब इसके बाद लौंग देखेंगे। लौंग क्या है? इसके लिए जलवायु चाहिए, उष्ण चाहिए और आर्द्र चाहिए, दोनों चाहिए, उष्ण भी हो और आर्द्र भी हो।
लॉन्ग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है। ये देखिए मिल गया पुष्प कलिका। लौंग एक पुष्प कली है, यह एक कली है, ठीक है लौंग। लेकिन किस वृक्ष की? एक सदाबहार वृक्ष है, उसका नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये देखिए ये रहा नाम, तो आपको नाम याद रखना है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। इसका प्रयोग मसाला और औषधि के रूप में भी किया जाता है। लौंग के पौधे को पहले नर्सरी में उगा दिया जाता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर रोपित किया जाता है। पहले नर्सरी में उगाया जाता है इसको, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर रोपित किया जाता है, जो लगभग 7 साल इसको लग जाते हैं फूल इसके लगने में, ठीक है। जब ये फूल देने लगता है तो वहां पर लगभग 80 वर्ष तक लौंग का उत्पादन करता है। अगर एक पौधा लगा दिया जाए तो वो 80 वर्ष तक लौंग का उत्पादन करेगा, ठीक है। भारत में लौंग की खेती कहाँ कहाँ? देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे काली मिर्च। काली मिर्च जो है उसके लिए जलवायु चाहिए आर्द्र उष्ण, ठीक है, और तापमान चाहिए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। और इसके लिए मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी दोमट मिट्टी, ठीक है। काली मिर्च एक लतानुमा झाड़ी है जो 8 से 10 मीटर की लंबी होती है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को समग्र एक चार्ट देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था आपसे, तो इस वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। चलिए इसके बाद और देखते हैं क्या क्या है, दो चीज़ें और हैं, एक ये काली मिर्च को भारत का काला सोना कहा जाता है। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। आप कोयला लगा के मत आइएगा कि काला सोना कोयला, अगर ऑप्शन में कोयला है तो भी लगा सकते हैं काला सोना, ठीक है। कोयले को भी काला सोना कहा जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कोयला ना हो तब आप कन्फ्यूज मत होइएगा, तो वहाँ पर भारत का काला सोना कौन कहा जाएगा? काली मिर्च, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। चलिए काली मिर्च के उत्पादन में वियतनाम है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पे है अपना भारत, ठीक है। चलिए कुल फसलों में अगर हम बात करें कुल खाद्यान्न, यहां पे देखिए फसल दिया हुआ है कौन सी फसल, उसके बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ठीक है। तो कुल फसल में पहले स्थान पे कुल खाद्यान्न की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कुल खाद्यान्न में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो वो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे पंजाब है कुल खाद्यान्न में। लेकिन अगर वही पूछे कुल दलहन में, तो मध्य प्रदेश। कुल दलहन और कुल तिलहन दोनों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कुल दलहन में भी और कुल तिलहन में भी, ठीक है। लेकिन दूसरे स्थान पर देखेंगे तो वो भी राजस्थान मर्ज करेगा, दोनों मैच करेंगे। देखिए कुल दलहन की बात करेंगे या कुल तिलहन की, तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, लेकिन तीसरे स्थान पे जैसे ही जाएंगे हम लोग तो देखेंगे कुल दलहन में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है और कुल तिलहन में गुजरात तीसरे स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सारी चीजें हैं। कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। जब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो याद रखिएगा कि आप इसको एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। कृषि से यही सब चीजें प्रश्नों जो होते हैं बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें फैक्ट हैं और नए डाटा है, नए आंकड़े हैं, तो आपको इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम तो देख लिए कुल खाद्यान्न में, कुल तिलहन में, कुल दलहन में, कुल मोटे अनाज में। अब हम उसके बाद एक एक फसल का देखेंगे, कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है, कौन सा राज्य तीसरे स्थान पे है। तो इस चार्ट का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस चार्ट का जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद इसको हमारे साथ एक बार रिविजन करिएगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नए आंकड़े हैं 2020 के, तो आपको याद रखने हैं। चलिए पहले स्थान पर देखिए चावल की हम बात करेंगे, तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। यह पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीन राज्यों की बात करेंगे, शीर्ष तीन राज्यों की, ठीक है।
गेहूं में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश। बाजरा में देखेंगे पहले पे राजस्थान, दूसरे में उत्तर प्रदेश और तीसरे में गुजरात। उसके बाद मक्का की देखेंगे पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। चना की देखेंगे तो पहले मध्य प्रदेश। अब एक चीज देखिएगा, देखिए जैसे चना क्या है, चना क्या है, दलहन क्षेत्र से है, तो ये दलहन क्षेत्र से है तो ये मध्य प्रदेश देखिए, क्योंकि कुल दलहन में भी पहले स्थान पे है। तो अक्सर अधिकतम फसलों को आप जो दलहन और तिलहन से ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वही है, आप इसको फिक्स मान के मत चलिए, लेकिन हम एक ट्रिक के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कुछ चीजों को आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन एक्स के नीचे देखिए अरहर है, ये तो नहीं है मध्य प्रदेश, अरहर भी तो एक दलहन है, नहीं है, तो आप इसको एक ट्रिक मान के चलिएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे स्थान पे देखिए कर्नाटक है अरहर के क्षेत्र में, और तीसरे स्थान में मध्य प्रदेश है। चना में हम लोग देखेंगे तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। अब हम लोग मसूर को देखेंगे, पहले स्थान पे मसूर के उत्पादन में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश राज्य है, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार। मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात है, फिर राजस्थान है और फिर आंध्र प्रदेश है। सरसों में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी में कर्नाटक, बिहार, ओडिशा। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। और गन्ना में है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। इससे पहले हम लोगों ने जो भी फसल पड़े हैं उसका हम लोगों ने शीर्ष राज्य, तीन राज्य उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों चीजें हम लोगों ने देखा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया, चार्ट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से हम लोग एक आंकड़ा तैयार करके देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषि संगठन और उसके मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद हम लास्ट में इसको मैप पे आपको दिखाएंगे जो भी चीजें हम लोग पढ़े, चाहे कृषि बोर्ड हो, मुख्यालय हो, संस्थान हो, अनुसंधान केंद्र हो, वो हम लोग एक मैप पे देखेंगे तो उससे ज्यादा क्या होता है कि आसानी से याद हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सारणी के माध्यम से इन सब चीजों को देखेंगे। चलिए पहले देखिए ये जो निशान लगा हुआ है ये क्या है, ये यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस पर क्या है निशान लगे हैं। तो आपको ये चीज, ये दोनों याद रखने हैं। अब हालांकि वही बात हुई, ये दोनों याद रखनी है, इसके साथ साथ आपको सारी चीजें याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम में एक बार ये पूछ दिया तो अब यही बार बार पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार क्लास देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलिए पहले स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर है, कानपुर। कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, समेकित कीट प्रबंधक राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र वो है अलेप्पो। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं में वृद्धि केंद्र मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अभी और है। इसके बाद हम लोग अगला क्या देखेंगे, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। अब जो कृषि बोर्ड है और उसके मुख्यालय कहां पर है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रमुख कृषि संगठन और उसके मुख्यालय। प्रमुख कृषि संगठन जो है और उसके मुख्यालय कहां कर पर है, उसको हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बोर्ड को देखेंगे, जो कृषि बोर्ड बनाई गई है और उसका मुख्यालय कहां पर है वो देखेंगे। जैसे देखिए यहां पर भी ये निशान लगा हुआ है दो जगह, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए काफी बोर्ड के साथ हम लोगों को रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड, इन बोर्ड को भी देखना है, जितने भी बोर्ड हैं, ठीक। चलिए पहले देखिए काफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक, कर्नाटक में ही बेंगलुरु है, तो आपको यह भी याद रखना है, राज्य भी याद रखना है, हो सकता है राज्य में पूछ दे, ठीक है। तो रबर बोर्ड कहां पर है, कोट्टायम, कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कहां पर है, पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता में है चार बोर्ड। और तंबाकू बोर्ड है गुंटूर में, गुंटूर कहां पर है, आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि में है, कोच्चि कहां पर है, केरल में। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड ये कहां पर है, नई दिल्ली, दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह एग्जाम में आया हुआ है, यह पुणे में है इसका मुख्यालय, और यह महाराष्ट्र में है पुणे, ठीक है।
राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। एक राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री बोर्ड और राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि दो अलग अलग बोर्ड है और लेकिन दोनों का जो मुख्यालय है वो एक ही जगह है, नई दिल्ली में ही, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, तो ऐसे का होगा जो भी आप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, टैब चला रहे हो या फिर कंप्यूटर चला रहे हो, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। एग्जाम्स पहले आप उसको देख सकते हैं या तो फिर कुछ मत करिए, मेरा क्लास देख लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में देखेंगे। प्रमुख कृषि संस्थान जो है, यहाँ पे देखिए इस साइड दिया हुआ है संस्थान, इसमें दोनों में, और इस साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसके स्थान कहाँ पे है, ऐसा कह लें कि मुख्यालय ही मान लीजिए, मुख्यालय भी। चलिए राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, इसमें देखिए एक दो और ये तीन और ये चार, ये चारों प्रश्न आए हुए हैं, ये चारों के चारों प्रश्न आए हुए हैं, तो इससे भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग मैप पर देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से धीरे धीरे देखेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास उद्योग विकास बोर्ड है इसका हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, आनंद कहाँ पर है, गुजरात में, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट बन गया है, क्यों बन गया है, क्योंकि अब अगर संगठन से प्रश्न पूछेगा तो इस समय जो पाकिस्तान से भारत में क्या हुआ है, टिड्डी दलों का हमला हुआ है, तो वैसे में तो यहाँ से ये प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो करंट मुद्दों को लेकर ही अधिकतर, देखा होंगे आप लोग कि बनते हैं अब प्रश्न, ठीक है। तो टिड्डी चेतावनी संगठन का कहाँ पर है मुख्यालय, जोधपुर में, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। यहाँ पे हमने एक और विपणन संस्थान देखा था, एक यहाँ पे कृषि विपणन और एक याद देखा चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो दोनों का मुख्यालय अलग अलग जगह है, तो आपको याद रखना है। अगला विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। ये दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में आ चुके हैं। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, पशु स्वास्थ्य संस्थान जो है वो जालंधर में, पशु चिकित्सा जैविकी वो कहाँ पर है, गुवाहाटी में, राष्ट्रीय पशुधन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान का संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान है जो है वो रांची में है। तो ये हो रहे हमारे कुछ प्रमुख कृषि संस्थान। इसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे और इस मैप के जरिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, देखिए एक मिनट, अब हम लोग यहाँ से देखते हुए शुरू करेंगे कोलकाता से। देखिए आप इसको जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इसको जूम करके ऐसे पढ़ते जाएगा, इस साइड ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा कौन से जगह पे क्या है। यहाँ से पढ़ते हुए शुरू करेंगे, जैसे जैसे इधर आएंगे फिर इसके बाद इतना याद कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद इतना याद कर लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पर याद कर लीजिए। आप देखिए, आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें इस मैप से ही याद हो गई हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ सारी चीज़ें जब मैप से ही याद हो गई है तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा याद करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप कोलकाता की याद करते हैं तो कोलकाता में केंद्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान, कटक में, कटक, अब देखिए यहाँ पर कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो यहाँ पे मैप से भी याद हो जाएगा, उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क एवं कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ देखिए हमने आनंद की बात की जो गुजरात में है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो यहाँ से राजमुंद्री, उसके बाद कोयम्बटूर, उसके बाद कोच्चि, इस तरह से आप याद करते जाएंगे इस सीरियल से, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह जाएंगे तो आपको पुणे में एक मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र में दो संस्थान मिलेंगे, एक नागपुर में जो है केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान और एक पुणे में है पशु रोग जांच प्रयोगशाला, ये भी आपको
फिर दो याद रखना है, फिर उसके बाद आप गुजरात में जैसे पूछेंगे, गुजरात में आनंद को याद रखना है, वहां पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। उसके बाद आप फिर राजस्थान में जाइए, राजस्थान में आपको देखिए एक जोधपुर मिलेगा, अंबिकानगर मिलेगा, जयपुर मिलेगा, तो इसको याद करिए। तो आप राज्य राज्य के एक एक राज्य करके जाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगा ये सब चीजें याद करने में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, प्रमुख फसलों के रोग एवं लक्षण। इसमें देखिए कुछ प्रमुख फसल है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, चना, अरहर। चावल में ब्लास्ट रोग लगता है, पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की तरह चकत्ते दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। गेहूं में रतुआ एक रोग लगता है, इसमें पत्तियां क्या होती हैं, पीले और भूरे रंग की हो जाती हैं और उसमें काले काले धब्बे दिखाई देने पड़ने लगते हैं, ठीक है। गन्ना, गल्ला में लाल विगलन, इसको इंग्लिश में रेड डॉट कहते हैं। आपने गन्ना देखा होगा कभी कभी, उसमें क्या होता है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, वो हल्का सड़न टाइप का लगने लगता है, वो फट जाते हैं बीच में से। तो छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की तरह मध्य सिरा प्रकट होते हैं, गन्ने के भीतरी भाग लाल हो जाता है। ये तो परिभाषा की तरह है, और लेकिन आप अगर एग्जाम्पल सारे डायरेक्ट देखेंगे तो देखे जरूर होंगे आप लोग अगर गन्ना का यूज किए होंगे तब, ठीक है। अगला है चना, चना में एक रोग लगता है उकठा, ठीक है। क्या लगता है, उकठा। इसमें क्या होती है, उसकी जो जड़े होती हैं वो सूख जाती हैं और जड़े क्या होती हैं, काली पड़ जाती हैं, सूखने के बाद काली पड़ जाती हैं, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। जब पत्तियां उनकी पीली पड़ने लगे, सूखने लगे, तो आप समझ जाइएगा उसमें उकठा रोग लगा है, ठीक। अब उसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम लोग अरहर की। अरहर में एक तना विगलन होता है, स्टेम रॉट। तना विगलन का मतलब क्या होता है, मिट्टी की सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर आते हैं, तना कट जाता है और पौधे मर जाते हैं। आप देखे होंगे, अगर गांव में होंगे तो आप जरूर अरहर में तना विगलन देखे होंगे। उसमें क्या होती है, जो पेड़ होते हैं उसके जो पौधे होते हैं वो जो होते हैं वो गलने लगते हैं, ऐसा कहने की जो तने होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और अधिकतर वो तने जो जमीन के पास होते हैं वो मुड़ जाते हैं और उसमें धब्बे पड़ने लगते हैं, भूरे रंग के, काले रंग के, पीले रंग के, और उसका तना क्या होता है, मुड़ के टूट जाता है, ऐसा कहने कट जाता है, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही कट जाएगा तो पौधा डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे प्रमुख फसलों के कुछ रोग व लक्षण। इससे और भी जो फसलें हैं, जो फसलें अभी बचे हैं, जितना फसल हमने करवाया, सबके रोगों के बारे में और उनके लक्षण के बारे में, उनके उपचार के बारे में हम लोग देखेंगे जब इसके प्रश्नों को हम लोग करवाएंगे। जब हम प्रश्नों को करवाएंगे तो वहां पर सारी चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुखों की बात की गई है और सिर्फ इसी के लिए, बाकी सारी चीजें यहीं पे डिस्कस कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कोई भी ज्यादा लंबा क्लास देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो आपके लिए वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए अब हम लोग कुछ क्रांतियां देखें। देखिए क्रांतियों से प्रश्न पूछता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट अगर बार बार हम कह रहे हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इस क्लास को बार बार देखिए, जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, और उसके बाद श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन दोनों से है, टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। यहाँ पे दो चीजें आपने देखा होगा, एक नीली क्रांति है मछली उत्पादन और एक झींगा मछली उत्पादन जो है वो गुलाबी क्रांति है, ठीक। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं से, ये हाल ही की क्रांति है, धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से है, गोल क्रांति आलू से है, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी कर रखने के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो जितने भी क्रांति है उस पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए यह क्रांति चली है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा यह गंगा क्रांति चला गया। उसके बाद देखिए सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी, सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन से, ठीक है। और उसके बाद स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से,
हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति या बांस उत्पादन से। आपको पता होना चाहिए कि जो बांस होता है, बांस को हरा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा सोना। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था अफीम को, ठीक है, अफीम को भी क्या कहते हैं? हरा सोना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अफीम को भी हरा सोना कहते हैं और बांस को भी हरा सोना कहते हैं। तो हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से हो गया, ठीक है। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। और खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगुना करने से यह क्रांति चलाई गई थी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। और NH क्रांति जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है, ठीक है। किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ये जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, माफ करिएगा, क्रांतियां हैं, आप इसको याद रखेंगे, ये कृषि विज्ञान से संबंधित क्रांतियां थी, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और भारतीय कृषि के हिसाब से सब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं, कृषि विधि से, कृषि सिस्टम से, मतलब कृषि पद्धति से, प्रणाली से। तो अब हम लोग कृषि विधि और तकनीकी पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी तकनीक हैं, और उसके बाद इसकी पद्धतियों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्लास को। पहला है परती छोड़ना। आपसे इन सब चीज़ों से परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं परती छोड़ना क्या है, चक्रीय कृषि किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को मिस मत करिए। परती छोड़ना, लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। जब आप किसी भी फसल की लगातार खेती करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो फसल और उर्वरता है, जो जमीन उर्वरता है, वो घटने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और एक समय आता है कि खत्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के लिए सामान्यतः परती छोड़ देंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 फिर प्राकृतिक उर्वरता प्राप्त करने लगती है, तो इससे क्या होता है, फिर से वो जमीन उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, परती या खाली छोड़ा जाता है। दूसरा है चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि क्या होता है, इसमें विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती हैं ताकि भूमि उर्वरता अधिक समय तक बनी रहे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो एक साल कुछ और बोया जाएगा उसी खेत में, उसी जमीन पर एक साल कुछ और बोया जाएगा, अगले साल कुछ और बोया जाएगा, अगले साल फिर कुछ और बोया जाएगा। तो इस तरह से एक के अनुसार एक बार करके चक्र के अनुसार, चक्रीय विधि के अनुसार चक्रीय कृषि की जाती है। और इसमें जैसे एक साल कुछ बोया गया, कोई फसल बोई गई, उसके बाद अगले साल अधिकतर आप देखेंगे कि जो ये देखिए जो फलीदार पौधे होते हैं, उन्हीं की खेती की जाती है। फलीदार पौधे मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं, आप देखेंगे जो भी दलहनी फसलें देखिए, चाहे मटर देख लीजिए, चाहे चना देख लीजिए, अरहर देख लीजिए, सभी क्या होते हैं, फलीदार होती हैं, ठीक है। तो वो फलीदार होती हैं तो उन्हीं का खेती किया जाता है। रीजन ये होता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, उसमें एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके स्थिरीकरण से जमीन एक बार फिर से उपजाऊ होने लगती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से, ठीक है। तो ये चक्रीय कृषि के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है चक्रीय कृषि किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग मिश्रित खेती और द्विफसली कृषि और बहुफसली कृषि। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो कई फसलों को मिश्रित करके उपजाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखने देखा होगा कि गेहूं के साथ साथ सरसों का भी फसल उगाया जाता है ना, गेहूं के साथ सरसों भी उगाया जाता है, तो एक ही साथ कई फसलों को एक ही खेत में एक ही साथ कई फसलों को जब उगाया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। इसमें एक चीज़ फायदा होता है कि उत्पादन एवं मूल्य की अनिश्चितता से काफ़ी हद तक जो किसान होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक। द्विफसली कृषि क्या होता है, इसमें एक ही वर्ष में दो फसलों का उत्पादन करना, एक ही वर्ष में, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, मिश्रित खेती में एक ही बार में कृषि में दो कई फसलों को, दो या तीन या चार जो भी फसलें एक ही साथ उगाई जाती हैं, लेकिन द्विफसली कृषि में एक वर्ष में दो फसलों को उगाया जाता है। एक बार मान लीजिए कुछ और बोया गया, एक बार कुछ और बोया गया, तो उसे द्विफसली कृषि कहते हैं। उसके बाद देखिए, और हाँ, द्विफसली कृषि वहीं पर होती है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो या फिर वर्षा अधिक होता हो या उसके अनुसार वर्षा भी होता हो।
बहुफसली कृषि, बहुफसली कृषि अब में यह प्रचलित हुआ है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि किसानों को उर्वरता के माध्यम से, या अगर खाद हो, चाहे कोई भी तकनीकी हो, चाहे इंजीनियरिंग कृषि हो, तो उसके क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। और आजकल की जो फसलें हैं वो कम समय में अधिक उत्पादन कर रही हैं, तो ऐसे में बहुत फसली की क्या होती है मात्रा जो अब बढ़ रही है, जिसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। वर्ष में अब तीन तीन फसल एक साथ उगाए जा रहे हैं, एक ही वर्ष में तीन फसल उगा ले रहे हैं, तो ये सब इसी से बढ़ रहा है कि कोई फसल है और उसमें क्या हो रहा है कि कम समय लग रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी कर रहा है। तो कम समय लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, फसल को बो सकेंगे। तो एक वर्ष में तीन फसल को अब उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसे ही बहुफसली कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और है रिले कृषि। जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल बोया जाए तो उसे रिले कृषि कहते हैं। ये गांव में रहने वाले लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे ग्रामीण भाई बंधु। ठीक है, जो कोई खड़ी फसल हो और उसके साथ कोई अन्य फसल भी बोया जाए तो इसे रिले कृषि कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि विधि और उसके तकनीकी। चलिए इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे है वाणिज्य कृषि, उसके बाद ट्रक फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गहन कृषि, विस्तृत खेती, पारिस्थितिकी कृषि, रेचिंग कृषि, सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाणिज्य कृषि, ये कृषि विधि है और उसके तकनीकी वाणिज्य, और ये ऐसा कह लेंगे ये सिस्टम है एक कृषि पद्धति। ठीक है, ये कृषि एक पद्धति है ना। चलिए देखिए सबसे पहले है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, यह पूरी तरह से उस वाणिज्यिक के लिए उसका उत्पादन होता है। वाणिज्यिक कृषि में व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक है, किसके उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। और जिसमें क्या होते हैं, नकदी फसलें बोई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी फसल, जैसे मान लीजिए और जैसे रबड़, कोको, ठीक है, और कहवा, नारियल, ये सब फसलें, गन्ना हो गया, तो ये सब फसलें होती हैं वाणिज्यिक कृषि में, मतलब पूरी तरह से व्यापारिक उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि होती है। अगला है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में इसमें क्या होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, कौन से देखिए लिखे जा रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में होते हैं ऐसे कृषि जहाँ पर अलग अलग उत्पाद होते हैं, और जैसे मान लीजिए सब्जियों का और फलों का, फूलों का ना, इन सब चीज़ों को परिवहन के माध्यम से नियमित, ये याद रखना है कि नियमित आपूर्ति की जाए उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ऐसे एक सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो ट्रक फार्मिंग कैसे समझ सकते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं शहरों में, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रकों के माध्यम से सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, तो इसे ही ट्रक फार्मिंग कहते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब संविदा, कॉन्ट्रैक्ट को संविदा भी कहते हैं और अनुबद्ध भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, चाहे कोई फसल हो उसके एक विशेष किस्म को इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किया जाता है, संविदा के तौर पर से समझ लीजिए दिया जाता है, और एक विशेष किस्म को दिया जाता है, चाहे वो केला हो, आम हो, नारियल हो। ठीक है, केला हो, आम, नारियल, चाहे वो लहसुन ही क्यों ना हो, लहसुन, प्याज, ठीक है, इन सब चीज़ों की विशेष किस्म दिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत इसकी कृषि की जाती है। ये गहन कृषि, गहन कृषि जो है बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में है, तो आप इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए गहन कृषि किसे कहते हैं, जो अधिक मात्रा में पूंजी लगाया जाए, अधिक मात्रा में श्रम लगाया जाए और कम समय में ही अधिक से अधिक उत्पादन फसलों का हो। समझ में आ, देखिए सुनिए, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हम कर लें, उसके बाद उसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उस पर
पूंजी लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा श्रम लगाएंगे, तब जाके गहन कृषि कहलाती है ना। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें ऐसा समझ लीजिए कि अधिकतम उत्पादन हो, अधिकतम उत्पादन हो और अधिकतम श्रम भी लगाया जाए और पूंजी भी लगाया जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें, कि वो समय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर एक समय दे दिया गया गहन कृषि में, गहन कृषि में अगर ये समय दे दिया गया कि आपको 3 महीने में ये फसल देना है, तो आप पूरी तरह से जोर शोर लगा के आप पूरी तरह से अधिक श्रम लगाएंगे, अधिक से अधिक पूंजी लगाएंगे और 3 महीने के अंदर उसका फसल का उत्पादन करके आप दे देंगे। वो गहन कृषि के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, इसकी जो गहन कृषि की सबसे गहनता होती है वो होती है 200%। ठीक है, क्या होता है सस्य गहनता? सस्य गहनता का मतलब होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक कृषि। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र बटे वास्तविक कृषि गुणित 100। इसका मतलब आपने समझा? देखिए, अगर किसी क्षेत्र का, अगर आप किसी खेत का, अगर आपको सस्य गहनता निकालना है, तो आप कुल बोया गया क्षेत्र निकाल लीजिए और उसमें से वास्तविक कृषि कितने की है डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा परसेंटेज। जैसे गहन कृषि में आपको याद रखना है कि 200% होता है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर की भूमि है, जब रबी की फसल हुई तो 5 हेक्टेयर में पूरा बोया, और जब खरीफ की फसल हुई तो उसमें 3 हेक्टेयर बोया, और जब जायद की फसल हुई तो वो दो प्रति हेक्टेयर में बोया, 2 हेक्टेयर में कृषि किया जायद की फसल की। देखिए, उसके पास वास्तविक कृषि कितनी थी? 5 हेक्टेयर, और कुल बोया गया कितना हुआ? 5 + 3 + 2 मतलब 10। कुल बोया गया 10 हो गया, तो यहाँ पे कुल बोया गया में हम रख देंगे 10, और कुल वास्तविक कृषि कितनी है? 5 × 100 निकाल दीजिए, 2 मतलब 200% जो हैगी वो सस्य गहनता हो जाएगी। तो सस्य गहनता निकलना आपको आना चाहिए। क्या होता है सस्य गहनता, ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। सस्य गहनता, आप सस्य गहनता की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला है विस्तृत कृषि। ठीक है, विस्तृत कृषि क्या होता है ध्यान से देखेंगे। विस्तृत कृषि देखिए क्या होता है। विस्तृत कृषि देखिए, नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि जो बड़े बड़े जोत हो, बड़े बड़े खेतों हो, बड़े बड़े प्लाट हो, उस पर कृषि किया जाए। ये अधिकतर क्या होती है? कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लाट होते हैं, यांत्रिक विधियों से इन सब चीज़ों का विस्तृत कृषि की जाती है। उसके बाद है पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि क्या होता है? इसमें सिंपल चीज़ है, जो पारिस्थितिकी जो चीज़ें होती हैं उनको बिना हानि पहुँचाए पारिस्थितिकी कृषि की जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी कृषि, जो पारिस्थितिकी संपदा होती है उसको बिना हानि पहुँचाए। ठीक है, इसमें वर्मी कंपोस्ट लिख लीजिए, वर्मी कंपोस्ट और कीटनाशक के रूप में क्या, नीम खाद और टिश्यू कल्चर पे, इस पे टिश्यू कल्चर पर इन सब चीज़ों पे जोर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, खाद के प्रयोग को नीम खाद के रूप में बदल दिया जाता है। मतलब ऐसा चीज़ जिससे जो उर्वरक होती है, उर्वरक आप जानते हैं जो खाद का आजकल प्रयोग हो रहा है वो हमारे भूमि को, उसकी उत्पादक क्षमता को घटा रहा है और उर्वरता कम हो रही है, जमीन बंजर होते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें विकसित तो हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ें, तो ये पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए पारिस्थितिकी कृषि इसीलिए की जाती है, वहाँ पे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो जो खाद का प्रयोग हो, नीम खाद का प्रयोग किया जाए और टिश्यू कल्चर के अनुसार इसके आधारित पर कृषि किया जाए। ठीक है, अगला है रेचिंग कृषि। रेचिंग कृषि क्या होता है भाई? रेचिंग कृषि क्या होता है? देखिए, रेचिंग कृषि जो होता है, इस कृषि में किसी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें चारागाह बनाए जाते हैं जिसमें भेड़ बकरी जो भी चारे चरने वाले होते हैं,
भेड़ बकरी, उसके बाद गाय भैंस, ये सभी जो पशु होते हैं वो चारे के लिए उपयोग की जाती हैं। तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि चारे की कृषि होती है जहाँ पर, ठीक है, तो वो उसे रेचिंग कृषि कहते हैं चारागाह के लिए। ठीक है, अब एक है देखिए सहकारी कृषि। सहकारी कृषि मतलब होता है जो जिसके पास जमीन न हो या जो छोटे किसान हो उनको सरकारी जमीन मिलती है और उस पर वो कृषि करते हैं। इसमें क्या होता है, किसान और सरकार के बीच में एक परस्पर लाभ का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, और इससे जो होता है कि सरकार और किसान के बीच एक समन्वय भी रहता है और किसान अपनी छोटी पूंजी के साथ उस पर कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से एक टर्म सरकार की समय याद रखना है कि परस्पर क्या होता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है ना, परस्पर लाभ के उद्देश्य से, तो इस टर्म में आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए जीरो फार्मिंग कृषि। जीरो फार्मिंग कृषि, ये चीज़ें याद रखनी है, ये पारिस्थितिकी कृषि के अंतर्गत ही आता है। ऐसा समझ लें कि जीरो पारिस्थितिकी कृषि, फार्मिंग और जीरो पारिस्थितिकी कृषि, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या होता है, जीरो फार्मिंग कृषि क्या होता है, भूमि में प्राकृतिक उर्वरता के कारण जो उपजाऊ जमीन होती है उसकी धीरे धीरे जो कमी हो रही है, जैसे कि आजकल जो हमने अभी अभी बताया कि जो खाद का प्रयोग हो रहा है और जो कीटनाशक के प्रयोग से, तो इन सब चीज़ों से हमारे फसल को हानि पहुंचती है और इससे जो स्थिरीकरण होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, पारिस्थितिकी कृषि में भी कमी आ जाती है। तो जीरो फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है, खाद को एकदम प्रयोग नहीं किया जाता है, कीटनाशक को एकदम प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि किया जाता है। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जीरो फार्मिंग के अंतर्गत जैविक कृषि किया जाता है। ठीक, तो ये रही कृषि पद्धति। और इसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं, जितने भी हम लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित चीज़ें थी देख ली हैं। अब इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि एक ही क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में जो भूमि सुधार हुए हैं कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत जो भूमि सुधार हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो वो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद, इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि देखेंगे और उसके बाद कृषि के संदर्भ में जो भूमि सुधार हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन सारी वीडियो का आपको पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।